और सुपरस्टार्स में कौन बेहतर है ये फैसला लेने के लिए जजेस भी ऐसे लाए गए हैं जिनकी डांसिंग नॉलेज की पूरी दुनिया कायल है, मास्टर रेमो और डांस गुरु श्याम अक्सर। इतने सारे अच्छे कंटेस्टेंट हैं, डीआईडी 1 और डीआईडी 2 के दोनों को मिला के अगर आप एक ही साथ मंच पे डाल दें तो क्या धमाका होने वाला है, आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं क्योंकि आप भी खुद देख चुके हैं इन सारे कंटेस्टेंट को। आई लव यू रेमो सर, चाहे दुनिया उन्हें गब्बर कहे पर मैं तो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं कितनी खुश हूँ और कितनी एक्साइटेड हूँ रेमो सर के सामने परफॉर्म करने के लिए क्योंकि डीआईडी 1 में भी वो ही हमारे मेंटर थे। अब तक हम उन्हीं को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, सो रेमो सर के सामने परफॉर्म करने में मुझे इतना डर तो बिल्कुल नहीं लगा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट मिस्टर श्याम अक्सर, Shyam Aksar is a legend or he's the pioneer who's actually gotten international styles to India. मैं DID 1, DID 2, Little Master सब देख रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई because आज दोनों teams सब मिलके unity, दोस्ती, friendship but competition वो मुझे बहुत अच्छा लगता है because उन लोग दोनों के अंदर बहुत talent है। मैंने सोचा भी नहीं था अभी ये इतना अच्छा जजेस आएगा अपना सुपरस्टार्स के लिए, बस बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगता है DID 2 में जो परफॉर्मेंस दिया उससे 3 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट मंच एंड ये मंच मेरे समय पे ऑब्वियसली नहीं था, तो ये मंच जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल है। इस हफ्ते सुपरस्टार्स के मंच पर आए उड़ी बाबा मास्टर मर्जी, जिन्होंने पहली बार अपने गुरु श्याम अक्सर के साथ बैठकर कोई डांस शो जज किया। वैसे ये नाम आजकल डांस की मस्ती का पर्याय बन चुका है। इस हफ्ते डांस के सुपरस्टार में मास्टर मर्जी आ रहे हैं एज स्पेशल जज, तो वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज अभी तक हमने उन्हें डबल्स में एज अ जज देखा था पर अब वो हमें जज करेंगे, तो वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि मरी सर की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। लोग रिहर्सल से और सब इतनी सारी रिहर्सल होती उससे पूरा थके हुए थे, बट जैसे हमारे तीनों मास्टर्स आए उसमें मर्जी सर भी आए और मर्जी सर सबसे मस्ती करने लगे तो वापस वो एनर्जी आ गया। और कोई भी बोलता है कि उड़ी बाबा तो सीधा मर्जी सर ही याद आते हैं। हाँ या मर्जी सर ऐसे कर, और आज जो उन्होंने एंट्री ली है हाइड्रोलिक से एक स्टार की एंट्री होती है इस तरह से। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार लाया हूँ वो दिखलाने। मर्जी सर ऊपर से आए क्रीज की तरह, बहुत मजा आ रहा था, ऐसे ऐसे भर कह रहे थे, पूरा स्माइल भी लगा के मस्त दिख रहे थे। बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, मैं खुदा से और क्या मांग सकता हूँ कि उसी मंच पे बैठा हूँ जहाँ पे मेरे गुरु बैठे, तो उनके साथ बैठ के जज करना, आई थिंक इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ। सबसे अच्छी बात मास्टर मर्जी की मुझे ये लगती है कि वो एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल एज इन वेरी कैजुअल है, वो हर एक चीज़ में एकदम डाउन टू अर्थ एंड वेरी, अरे चलना यार चलना यार, हम लोग से सब एकदम कैजुअली एज अ मास्टर नहीं है, सो इट्स वेरी नाइस। आज मर्जी सर आए एंड ही इज़ वन ऑफ द वंडरफुल कोरियोग्राफर, जो डबल्स में उन्होंने कारनामे दिखाए, जो उन्होंने कोरियोग्राफी की है बहुत अच्छी की है एंड उनकी टीम से विनर भी है एंड आज बहुत बहुत खुश है, मैं ही नहीं हम सभी लोग खुश है टू सी हिम हियर। मर्जी जी आए थे, ही इज़ टू क्यूट और हमको बहुत अच्छा लगा बिकॉज ही इज़ ऑफ कोर्स अ जैज़ ट्रेन डांसर, तो उनके सामने हमको बहुत फंसे का स्टाइल करने मिला, तो आई गेस वी होश में जोश नहीं खोना चाहिए और आपने वो हाथ पकड़ के रखा है ऑल टाइम। सो सर जोश में होश, होश में जोश, सर होश में। जब से मैंने DID डबल्स देखा है आई थिंक ही इज द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल द मेंटर्स, वो इतने क्यूट है और उनका जो उड़ी बाबा है दैट्स जस्ट सो मच फन और वो जैसे बात करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको हम आज यहाँ पे क्या बुलाए हम आपको? नहीं मतलब मेरा नाम मास्टर मर्जी है, तो उड़ी बाबा किसका नाम है?
दादा नहीं है, आज का दिन तो मुझे मजा कर लेने दो। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे उड़ी पापा को उड़ी पापा नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे यार। जोरदार ताली हमारे उड़ी पापा के लिए। जय गया ये आया। हमारे ग्रुप में सब इंटरनेशनल स्टाइल्स जैसा है कि कुछ इंडी हॉप कर रहे, कुछ थोड़े रुम्बा कर रहे हैं, हम लोग लिरिकल कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मर्जी सर इसके लिए बेस्ट जज है और वो जज करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि उनके कमेंट्स भी हमें मिले। आई हैड द नाइसेस्ट टाइम टुडे, बहुत मज़ा किया मैंने। मनीष, वेमो, ऑल आर वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस। और कंटेस्टेंट्स की क्या बात करूँ, क्या कॉम्पिटिशन है। आई थिंक इट्स अ फैब कॉम्पिटिशन और बहुत अच्छे डांसर्स हैं, बहुत अच्छे।